जी दोस्तों, मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए। सब्जी 11 बज गए हैं, आज पकानी है सब्जी के लिए। सब्जी लेने जा रहा हूँ, चलते हैं सब्जी लेने के लिए। बाइक मेरी बाहर खड़ी है, बाइक को लेते हैं तो सब्जी लेने चलते हैं। ये बाइक खड़ी है हमारी, बाहर मौसम देखें, स्मोक छाई हुई है। सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, वो सामने दुकान है हमारी सब्जी वाली का, सब्जी भी है, सब्जी वाली दुकान होती है। आसमान है, हम आपको पापड़ा वाले दिखाते हैं। ये पापड़ों वाला का सारा सिलसिला है। ये देखें कितनी गाड़ी है, बड़ी लोडर है, सारी इनकी है। सब्जी लेने आए हैं, गोभी पड़ी है, धनिया पड़ा है। जी सब्जी ले ली हमने दोस्तों, घर जा रहे हैं सब्जी लेके। हम आलू गोभी लेके आए हैं। तो हम आ चुके हैं चौधरी आबद शेर अली साहब के दफ्तर। ये आबद शेर अली साहब का ऑफिस है न्यू नाजमाबाद में। जी देखे अंदर एंट्री होती है। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल? ये दफ्तर है आप चौधरी आबद शेर अली साहब, माशाल्लाह जी। बिलाल रहमान साहब कोआर्डीनेटर ने चौधरी आबद शेर अली साहब के ऑफिस च बंदे ने। आपको पता है ना कि सर्दियां आ चुकी हैं, तो ये मूंगफली का सीज़न है मंडी। ये देखें माशाल्लाह कितनी मूंगफली पड़ी है, सारी मूंगफली है। ये देखें ये ढेर लगे हुए हैं, ये मंडी है, गल्ला मंडी है माशाल्लाह। आपको पता है ना इधर काम ही मूंगफली का हो रहा है। ये तो तकरीबन मूंगफली है सारी पड़ी हुई, देखो कितनी मूँगफली है, ज़्यादा से ज़्यादा ढेर लगे हुए हैं। इधर गल्ला मंडी है ना, गल्ला मंडी में यही काम होता है। ये गल्ला मंडी है दोस्तों, मैंने कहा चलो दोस्तों आज दिखाते हैं गल्ला मंडी का भी, मूँगफली का सीज़न है। आपको उर्दू भी दिखाते हैं, इधर पढ़ाई होती है, चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये चंगजार की तरफ रास्ता जा रहा है, माशाल्लाह कितना बड़ा सिस्टम है। ये इधर से हर चीज़ मिल जाती है, मूंगफली वगैरह हर चीज़। ये सारी मार्केट ही है इधर सब, ये मखाने दाने वगैरह हर चीज़, सर्दियों की सगात चला। चने वाली मूंगफलियों की दुकान है, ये मशीन लगी हुई है, चने भूजते हैं इसमें। ये देखे चल रही है इस तरह, चने मूंगफली वगैरह भूजती है। ये पट्टी चल रही है अभी, भाई कहते हैं घंटा लगेगा इसमें। ये देखे इस तरह की काम चलता है। मूँगफली माशाल्लाह कितनी बड़ी है, सब इधर मार्केट ही ये है सारे, हर चीज़ मिल जाती है। ये देखिए, ये देखिए लगे हुए हैं, ये देखिए बोरियां भरी हुई है। सीज़न है ना, सर्दी आ चुकी हैं। अब मरूंडा वगैरह भी मिलता है, हर चीज़ मिल जाती है। ये देखिए तकरीबन मार्केट है। ये चने हमने लिए हैं भाई से, चकोतरे हम मिल्क शेक की दुकान, चकोतरे मौसमी का जूस निकालते हैं भाई, अनार का भी निकालते हैं। ये देखें, ये इनसे मौसमी का जूस लेना था हमने। ये
हाँ जी भाई जान इस तरह नकार रहे हैं। पीले आकार जूस लामे पीले आकार जी। दोस्तों ये आ गया हमारा माशाल्लाह गरम गरम परांठा आलू वाला, साथ है दही, खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। गरम गरम है, फुल गरम है इस टाइम। दोपहर को खा रहे हैं, इसे दही में डिप करेंगे और खाएंगे। हाँ जी दोस्तों माशाल्लाह गरम गरम पराठा दही के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है आलू वाला। गरम गरम खाने का अपना ही मज़ा है। इसके साथ ही आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। रफाकत अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आप डेरो खुशियाँ नसीब हो। अल्लाह हाफिज़।